सेंटीन्स इंटरनेशनल लाइफ से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी एक और रेसिपी। मैं आज बनाने जा रही थी चिकन का दम कीमा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी को शेयर करती हूँ। और बहुत इजी और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को मज़ा आएगा। चलें मिलके रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, हाफ से 1 से 2 टेबल स्पून या ज़्यादा ऑयल ले लेंगे हम। आलू की पनीर मैंने कीमा लिया है और तो मैं ऑयल में डालूंगी। टेबल स्पून भर के मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। दावत में बनाए मतलब आप लोग किसी भी वन डिश पार्टी दावत मतलब बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े का कीमा बनता है ये दम कीमा, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। मेरी रेसिपी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सारी मैं ट्राई कर चुकी हूँ मतलब बनाती हूँ। पहले खुद एक्सपेरिमेंट होता है उसके बाद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर होती है ताकि आप लोगों को मज़ेदार सी रेसिपी में पहुँचा सकें। तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें हल्दी डालूंगी। उसके बाद ये मैंने 2 मीडियम साइज में बस टमाटर हैं मैंने बारीक काटे थे, ये मैं कीमे में डाल दूंगी। और कीमे की हम ऑयल डाल के अब भुनाई करेंगे, तो टमाटर उसी में हम मतलब भुनाई के बाद टमाटर हम साथ में ही मतलब गला लेंगे कीमे में। यहाँ पे के बाद मेरे पास यहाँ पे ये कुटा हुआ धनिया है, ये मैं इसमें डालूंगी। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। थोड़ा सा ऑयल मैं अब डालूंगी क्योंकि हमने भुनाई की तरफ जा रही है, इसलिए मैं ऑयल डालूंगी। आप लोग देख सकते हैं कीमा जो है मेरा भुनाई की तरफ जा रहा है। और अब मैं यहाँ पर डालूंगी मेरे पास 3 से 4 ये मैंने इलायची ली है, इसको पीस लिया है, ये मैं कीमे में डाल दी है मैंने। और इसको मिक्स करेंगे, फिर मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची ली हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी, बारीक कटी हुई हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मेरा प्याज ली थी मीडियम साइज, इसको मैंने बारीक कट किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, वो मैं कीमे में ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स करिए, अब बस इसकी भुनाई होगी पानी। बहुत मज़ेदार की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। टेबल स्पून में इसमें नमक डालूंगी। ये मेरे पास 1 से 2 टेबल स्पून है मैंने ब्लैक पेपर डालूंगी, काली मिर्च। हम इसको मिक्स करेंगे।
हाफ टेबल स्पून में उसमें चाइनीज सॉल्ट डालूंगी, अजीनोमोटो। आप लोगों के ऊपर है, ये ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो स्किप करें, कोई मसला नहीं। नमक सकते हैं थोड़ा जी, सब कुछ सही है, रेट है मेरे पास बड़ा टेबल स्पून, ये टेबल स्पून से बड़ा है थोड़ा, तो मैं ये 2 चमचे भर के दही डालूंगी इसमें। बस अब हमारे सारे मसाले इसमें जा चुके हैं, मतलब बिल्कुल डन पर है कीमा हमारा। अब मैं इसके 5 से 10 की अच्छी सी भुनाई करूंगी और हमारा मज़ेदार सा चिकन दम कीमा रेडी है। आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी इसकी शक्ल आई है, बहुत मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं। तो बस आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे अपने फीडबैक दीजिए कि आप लोग मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं, तो मैं ऐसी ही आप लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपी ले लेकर। ये देखिए किस शक्ल देखिए कितनी मज़ेदार से आप लोग सीख सकते हैं, बहुत मज़ेदार सा हमारा दम कीमा रेडी हो गया है। ये कीमा जो है वो फाइनल भुन चुका है हमारा, उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे लास्ट, ये बारीक मैंने अदरक काटी है वो मैं इसमें ऊपर से हम डाल देंगे। और बस यहाँ पे मैं अब इसमें कीमा हमारा रेडी है, कोयले का धुआं दूंगी, उसके बाद मैं निकालती हूँ इसको, डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा दम कीमा बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए और अपने फीडबैक दीजिए कि आप लोग मेरी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं, ताकि मैं मज़े मज़े की और रेसिपीज लेकर आऊँ। चलें अब हम इसमें कोयले का धुआं देते हैं। वहाँ पे मैं पहले तो रखूँगी फॉइल पेपर, मैंने रखा है, उसके बाद ये कोयला जला लिया था मैंने, इस पर मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूँगी ताकि कोयले का धुआं उठे मज़ेदार सा। और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। मज़ेदार सा हमारा दम कीमा बन के रेडी है, मैंने डिश आउट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी इसकी शक्ल आई है, बहुत मज़ेदार सी खुशबूएँ आ रही हैं। तो आप लोग मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा पसंद आ रही है या नहीं आ रही, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी मज़ेदार सी न्यू व्लॉग्स आप लोगों को मिल सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।